स्कूलों में जब ये प्रक्रिया जो सिखाई जाती है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। आप लोग वोटर भी बनेंगे, आप लोग यहाँ से नेता भी जाकर बनेंगे और आप लोग ही इस देश का भविष्य का जो निर्माण होगा, राष्ट्र नीतियों का जो निर्माण होगा वो भी आप लोग यहीं से करेंगे। वो भी यह जो प्लेटफॉर्म है और यह जो चुनावी प्रक्रिया जो आपको रखी है, आपको चुनाव करवाना है उसी तरीके की पूरी प्रोसेस जो हमारे कैबिनेट है, राज्य है, सेंट्रल लेवल पर देखो ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है और तब जाकर मंत्री वगैरह बनते हैं। आपने लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा कि आपको खड़े कर करके और आपका समर्थन लिया जा रहा था, कोई भी विद्यार्थी आप ये नहीं समझे कि इस व्यक्ति ने मेरे को वोट नहीं दिया, इस व्यक्ति ने मेरे को समर्थन नहीं दिया, मैं हार गया। केवल ये प्रोसेस समझाने की एक प्रक्रिया थी, एक दूसरे के प्रति आपको कोई भी द्वेष की भावना नहीं रखनी है। क्या ऐसा रख सकते हैं? नहीं, नहीं रख सकते। द्वेष की भावना रखोगे? नहीं रखेंगे। नहीं रखोगे ना, क्योंकि ये द्वेष की भावना यदि आपके अंदर आज जनरेट हो जाएगी ना, तो फिर ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे सही ढंग से और ना ही सीख पाएंगे। आपको अपना माहौल ऐसा बनाकर रखना है कि आप सभी एक दूसरे के साथी हैं, आपको साथ मिलकर आगे चलना है। ये जो मंत्री आपके सामने आगे बैठे हैं, ये मंत्री भी आपकी ही क्लास में बैठेंगे, आपके साथ ही रहकर पढ़ाई करेंगे। जो मंत्री बन चुके हैं वो भी सुने थोड़ा ध्यान से कि आप केवल मंत्री बन गए हैं इस बात का मतलब ये नहीं समझे कि क्लास में आपका राज हो गया है। इन सब चीज़ों पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, वो होता है शिक्षा। आज के दौर में, आज किसी भी क्षेत्र में देख लो, जिन्होंने भी अपना नाम शुमार किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय गुरुजनों को देख लो, चाहे किसी दूसरे क्षेत्र में देख लो, किसी ने भी अपना नाम शुमार किया है, उसका जो मूल कारण देखा जाए, जो मूल उसके अंदर देखा जाए कि उसके अंदर ऐसा कौन सा बीज डाला गया था जिसके कारण ये इतना सक्सेस हुआ है, तो उसके पीछे जो रोल निकल कर आता है वो आती है शिक्षा। ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो विद्यालय है, वो शिक्षा का वो मंदिर है जिसके अंदर आप सब लोग यहाँ से पढ़कर अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आपको जो सिखाया जाता है वो सिखाने की जो प्रक्रिया और जो सीखने की और समझने की जो प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो करवाई जाती है वो सब आप पूरी ईमानदारी के साथ में ग्रहण करेंगे, तभी जाकर आप सफलता के नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। आज की जो चुनावी प्रक्रिया रही है